बाहर से मैग्नेटो मॉल का और यहाँ पे अभी बने हुए हैं दो हाथी, स्वागत करते हैं। वहाँ पे पूरी लाइटनिंग थी, नाइट में दिखेगी लेकिन अभी नाइट नहीं है इस वजह से नहीं दिख रहा है। पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, उस तरफ फोर व्हीलर, इस तरफ टू व्हीलर। तो ये यहाँ से एंट्री होती है और एंट्री जाके हम गाड़ी पार्क करते हैं। और ये टू लेवल पार्किंग है और ये फर्स्ट है, इसके नीचे एक और है। हम यहाँ चलेंगे पार्किंग एरिया में, हम जाके इस तरफ होती है कार पार्किंग और इस तरफ होती है टू व्हीलर पार्किंग। अभी फिलहाल हम टू व्हीलर में अपनी गाड़ी पार्क के लिए इस तरफ पार्क पे लगा देंगे और इस तरफ एग्जिट होता है तो आपको स्लिप देके जाना रहता है। अभी हम गाड़ी अपनी पार्क पे लगाते हैं, देखते कहाँ पे स्पेस है। यहीं पे स्पेस मिल गया तो यहीं पे लगा देते हैं। गाड़ी को मैंने पार्किंग पे लगा दिया है और अब चलते हैं हम ऊपर। इस तरफ जो है वो है पूरी कार पार्किंग और यहाँ पे नंबर वाइज है, अगर आप भूल जाओगे तो याद रख सकते हो। इस तरफ कार पार्किंग एरिया है। आप कुछ ड्रेस लेते हो बिग बाजार से तो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन के लिए दे सकते हो। लिफ्ट से डायरेक्ट भी ऊपर जा सकते हो लेकिन फिलहाल हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे। बैगेज काउंटर है यहाँ, अगर आप चाहें तो कुछ सबमिट करके जा सकते हैं। तो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से एंट्री करते हैं यहाँ मिलता है बिग बाजार। बिग बाजार में जाके आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। इस तरफ जूता सैंडल वाला शॉप है तो बिग बाजार का बैगेज काउंटर है। अभी फिलहाल मैं बिग बाजार नहीं जाऊंगी, ऊपर चल रही हूँ क्योंकि मॉल आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला जो है वो जाने के लिए है और इस तरफ से आने के लिए, तो अभी चलते हैं फिलहाल हम ऊपर। हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मिलता है एक बहुत ही बड़ा मिरर और जिसपे मैंने बहुत सारी लोगों की सेल्फी वेल्फी सब देखी है। लोग अच्छे से सेल्फी लेते हैं, बनाते हैं यहाँ पे और इसके नीचे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ मैग्नेटो दी मॉल घूमने के लिए। घूमूंगी भी प्लस आपको भी अच्छे से घुमाऊंगी कि मैग्नेटो मॉल में क्या क्या है और क्या क्या आप शॉपिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज किया है इंट्रो के लिए क्योंकि इधर पे फ्लावर्स है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, खासकर फ्लावर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर पे फ्लावर्स है और चलते हैं। तो यहाँ पे श्वेता's कॉर्नर करके एक स्टोर है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फैंसी आइटम लिए हैं, जैसे की रिंग्स विरिंग्स भी है, बहुत कुछ है। तरफ है लोफा, बहुत सारी चीजें इधर पे मिलती हैं। ये जो मेरे पीछे है ये है मिनीसो। मिनीसो के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्यूट और अच्छे भी होते हैं पर थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। कुछ कुछ कॉस्टली रहते हैं और कुछ कुछ अच्छे रहते हैं और इसी को सेम कम्पीट करते हुए इन्होंने यहाँ पे भी अपना ओपन कर दिया है। तो इनका भी सेम कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में कंपटीशन हो गया है। तो जस्ट आजू बाजू उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी फिलहाल हम जो है वो है मैग्नेटो मॉल के ग्राउंड फ्लोर में और मैग्नेटो मॉल के ग्राउंड फ्लोर में ही है इस तरफ मैकडॉनल्ड्स। सो ये है यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स। तो मैं बहुत बार मैकडॉनल्ड्स में फिलहाल आ चुकी हूँ लेकिन अभी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट थी। और इस तरफ कलर बार के हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े श्री राम भगवान जी बनाए गए हैं क्योंकि अभी दिवाली का टाइम था तो इस वजह से। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से, मॉल में हमेशा कुछ ना कुछ बनाया ही जाता है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा बनाया गया है। और ये प्लांट्स हैं, रियल प्लांट्स हैं, इस तरफ भी प्लांट्स हैं। मैं ये पेड़ वाले लोकेशन के पास थी और यहाँ पे श्री राम भगवान जी की स्टैचू बहुत बड़ी बनी हुई है, म्यूजिक भी चल रहा है बहुत अच्छा। प्लस पीछे ये देख सकते हो इतना सुंदर बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड इतना अच्छा था तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करा ली है। सो यहाँ कॉफी का स्टोर न्यू ओपन हुआ है, सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हो। नाइक का शोरूम इस साइड है, हनुमान भगवान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं। तरफ बॉडी शॉप है जहाँ पे आपको बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे सोप मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे नेचुरल। प्लस इधर नाइका का भी स्टोर है, तो अगर आपको नाइका से ऑर्डर नहीं करना है और कुछ भी चीज अर्जेंट में आपको तुरंत तुरंत में चाहिए तो आप यहाँ भी आके ले सकते हो क्योंकि नाइका के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये है किड्स प्ले एरिया, यहाँ पे बच्चे लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, उनके छोटे छोटे घर भी हैं और बॉल्स भी हैं, अच्छे से बच्चे खेल रहे हैं। ये एक बैठने के लिए एरिया है, आप अगर थक गए हो तो बैठ सकते हो। किड्स प्ले एरिया जो कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है और इस तरफ पे इंडिकेशन लिखा है वे टू फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हो। प्लस वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर भी है। मैं ये पीछे आप जो देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पेंटिंग हुआ है, पेड़ वेड़ बने हुए हैं सब बहुत अच्छे से, वहाँ पे लोग बहुत सारी फोटोज खिंचाते हैं। और इस तरफ है वॉशरूम और पीने का पानी, मुझे काफी टाइम से प्यास लगी हुई थी सो मैंने सोचा कि अभी पहले पानी पी लेते हैं उसके बाद।
तो ये देख सकते हो आप मार्क एंड स्पेंसर यहाँ पे है मैग्नेटो मॉल में, ओनली वन शोरूम है ऑलमोस्ट रायपुर में, जहां तक मुझे पता है, अभी पता नहीं मैं, एक ही शोरूम है जो कि मैग्नेटो मॉल में है। तो मैग्नेटो मॉल में ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। मार्क एंड स्पेंसर है यहाँ पे डिस्प्ले करके रखे हैं, और ये फिलहाल एंट्री है। इस तरफ गर्ल्स सेक्शन है, उस तरफ बॉयज सेक्शन है, और लेकिन अभी हम चलेंगे इधर साइड है लिफ्ट, आप इससे जा सकते हैं ऊपर, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर जहाँ भी जाना है उधर पे जा सकते हैं। और ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पेंटिंग है कहाँ की, अंडर वाटर है क्योंकि इसमें फिश है, या स्पेस की है क्योंकि इसमें स्टार्स है, और कन्फ्यूजन है। आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि ये कहाँ की पेंटिंग है। तो अब यहाँ से हम चढ़ेंगे और जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, इस तरफ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये तो अब आपको हर जगह मिल जाएगा हैंड सैनिटाइजर। तो देख सकते हो ये है हैंड सैनिटाइजर, और अभी हम यहाँ से चलते ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। नीचे भी किड्स प्ले एरिया है, ऊपर भी किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पे बच्चे आएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे खेलने के लिए। इसके अलावा रिलायंस डिजिटल है इस तरफ, तो ये इस साइड है हैदराबाद पल्स, और इधर है वॉशरूम। अभी हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये देख सकते हो हनुमान भगवान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, और संजीवनी बूटी आई थिंक गोल गोल घूम रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और दिवाली के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया गया था। तो उधर श्री राम भगवान जी हैं, और इधर पे हनुमान भगवान जी। पेंटिंग बनाई गई है फोटोज क्लिक कराने के लिए, यहाँ पे आप अच्छे से फोटोज क्लिक करा सकते हो। कितना ज्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल पीकॉक है, मैं बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट से भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और आप देख सकते हो आप ये राम भगवान जी कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे से दिख भी रहे हैं, नीचे से अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ से अच्छे लग रहे हैं, दिख भी रहे हैं। ये देख सकते हो आप पीछे राम भगवान जी बने हुए हैं, जब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर से देख रही थी तो ये उतने ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ टॉप फ्लोर से दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी हूँ। तो अभी और चलते हैं आगे, यहाँ लिफ्ट के पास अच्छे ग्रीनरी वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, दोनों साइड लगे हुए हैं, प्लस डस्टबिन भी है, और हैंड सैनिटाइजर डिस्प्ले सब चीजें हैं यहाँ पे। ये है नीरू का शोरूम, तो ये सोच का कलेक्शंस है, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे सूट साड़ी सब चीज़ है, बहुत प्यारा लग रहा है। गो कलर्स का यहाँ पे भी कलेक्शन है, अंबुजा मॉल में भी है, मैग्नेटो में भी है। आपको मॉल में बाइक चलानी है तो यहाँ पे आप बाइक चला सकते हो, बट ये बच्चों का बाइक वाला है, उनके लिए इतनी स्टाइलिश बाइक्स है, देखो यहाँ पे फरारी है, फरारी वो भी रेड कलर की बाइक, तो देखो एक नंबर, बच्चों लोग की सबसे ज्यादा ऐश है। तो ये लव डब का शोरूम है इधर पे, बच्चों के लिए ड्रेस टॉयज सारी चीजें बच्चों की ही हैं इस तरफ, और इस तरफ है रिलायंस फुटप्रिंट्स। अभी यहाँ पे स्पाइकर जल्दी ही ओपन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया ओपनिंग शॉर्टली, स्पाइकर भी इधर पे आ जाएगा। ये नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है गुड विद करके, और डेकोरेटिव वाइज तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, प्लांट्स भी लगाए हैं, लाइट्स भी लगाए हैं, और पता नहीं अभी खाने के लिए तो नहीं गए हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से अच्छा है। तो ये है पीवीआर सिनेमास, अभी मूवी से स्टार्ट हो चुकी है, तो इधर पे कौन कौन सी मूवी लगी हुई है, सूर्यवंशी है, यहाँ से एंट्री करनी है, आपको एंट्री करके जानी है, इधर से टिकट लेनी है, और ये है पब, जा सकते हैं, बाउंसर भी आप बाहर सामने खड़े हुए हैं, और ये लिफ्ट है। तो ये मूवीज हैं कमिंग सून में आने वाली मूवीज हैं, सत्यमेव जयते आएगी आई थिंक 25 नवंबर को, बंटी और बबली आएगी, ये है बारबेक्यू नेशन, तो यहाँ पे मैग्नेटो मॉल में बारबेक्यू नेशन है, अगर आप बर्थडे प्लान कर रहे हैं या आना चाहते हैं तो इस पे आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियोस बनाया है, क्योंकि हम लोग बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किए थे। फिलहाल अभी क्लोज हो चुका है क्योंकि इनका टाइमिंग रहता है, आई थिंक ये 6 बजे वापस से स्टार्ट होगा। ये है किड्स जोन, बच्चों के खेलने का एरिया अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वो वर्चुअल दुनिया वाला है,
और इसके बाद यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो क्रिकेट खेलने वाला है, यहाँ से क्रिकेट खेल सकते हो। ये टाइम जोन है मैग्नेटो मॉल का, जहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं। दिखाती हूँ कि क्या क्या गेम्स हैं। अभी मैं हूँ टाइम जोन में और मुझे यहाँ पे आधे से ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे टाइप का गेम खेलती भी नहीं हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आता है। पहले थोड़े टाइम पहले मैं थोड़ा बहुत खेलती थी तो मुझे समझ आता था, लेकिन अभी नहीं समझ आ रहा है। अभी जब मैं टाइम जोन में एंटर की तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, और खासकर ये क्रिकेट वाला, जो ये क्रिकेट खेलते हैं वही वाला मुझे समझ आया, बाकी कुछ समझ नहीं आया। ये क्रिकेट खेलने वाला एरिया, यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। अच्छा, और इस तरफ पेंटिंग्स बनाई हुई है, घर का डिज़ाइन पूरा बना दिया है। यहाँ पे फोटोज क्लिक करा सकते हो, अच्छी फोटोज आएंगी। तो ये मीना बाजार है, यहाँ पे एथनिक वेयर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन आते हैं। तो अभी फाइनली मेरा मॉल घूमना हो गया है कंप्लीट, और मैंने आपको भी दिखा दिया है। और मुझे चाहिए था एक बेल्ट, जो कि मैंने ले लिया, और मैं पहले सोच रही थी कि यहाँ मिलेगा पर नहीं मिला, मुझे वेस्ट साइड में मिल गया, तो वो तो मैंने ले लिया, मेरा काम भी हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।